हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। आज आपको एक मुंबई की हॉन्टेड जगह बताएंगे, जो कि बहुत सी मूवीज की शूटिंग लोकेशन भी है और मिस्टीरियस जगह भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा में स्थित है। एक जमाने में यहाँ बहुत से मजदूर काम किया करते थे। यहाँ पर कारोबार काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात यहाँ पर इस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी चपेट में काफी लोग मारे गए। इस चपेट में आने वाले लोग यहाँ के मजदूर थे। उन मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से ही मुकेश मिल बंद हो गई। वो जगह काफी सुनसान और खाली हो गई। मुकेश मिल्स की फैक्ट्री जल चुकी थी, पर उसके अंदर के लोगों की आत्मा वहीं मिल्स में ही थी। मुकेश मिल्स की दीवारें मानो ऐसे लगती थी जैसे कोई एंशिएंट फोर्ट हो। यहाँ की तस्वीरें डायरेक्टर्स एक्टर्स को बड़ी पसंद आती थी, क्योंकि एक शान जगह थी। इसी के कारण यहाँ पर मूवीज के लिए शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर टीवी सीरियल्स की शूटिंग के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। इस मिल की लोकेशन पे बड़ी फेमस मूवीज शूट हुई है, जिसका नाम बहुत जाना पहचाना है। जी हाँ दोस्तों, हम का चुम्मा गाना भी यहीं शूट हुआ है, और वांटेड का फाइटिंग सीन तो आपको याद ही है, वो भी यहीं शूट हुआ है। लेकिन इतनी अच्छी लोकेशन होने के बाद भी यहाँ पर शूटिंग सूरज के ढलने से पहले ही होती है। सूरज ढलने के बाद यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई शूटिंग क्यों नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर काम करने वाले एक्टर्स में से सबसे बड़े एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि मुकेश मिल्स में कुछ तो मिस्टीरियस है, और यहाँ पर डर की परछाई का आभास होता है। यहाँ पर बहुत सी घटनाएं सामने आई है, जिसके कारण कई बॉलीवुड डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने यहाँ पर शूटिंग करने से इनकार कर दिया है। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जगह काफी खतरनाक है और यहाँ पर कई सारी आत्माएं भटकती है। ये आत्मा उन लोगों की है जो लोग मुकेश मिल्स की आग में झुलस कर मर गए थे। और भी हादसे सामने आए जब यहाँ पर देर रात में शूटिंग हो रही थी। बहुत बड़े फेमस हॉन्टेड शोज, जिसका नाम जरूर आपने सुना होगा, आहट और फिर कोई है, जैसे बड़े शोज की शूटिंग के दौरान यहाँ पर बहुत सी घटनाएं देखी गई है और महसूस की गई है। इन शोज के को एक्टर्स के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यहाँ पर डर की सच्ची तस्वीरों को महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी अपने बयान में बताया था कि मुकेश मिल्स में शूटिंग के दौरान उनकी को एक्ट्रेस में एक अजीब सा बर्ताव देखने को मिला। उन्होंने बताया कि वो अजीब हरकतें करने लगी। अचानक उस को एक्टर की आवाज मर्ज जैसी हो गई और चेहरे पे तनाव दिखाई देने लगा, और वो को एक्ट्रेस बोली, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा था ना ये जगह हमारी है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए सारा क्रू डर गया और फटाफट यहाँ से पैकअप करके भाग गया। इन कुछ घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर शूटिंग धीरे धीरे बंद हो गई। अब यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं होती। यहाँ ये सब चीजें देखकर मुंबई की गवर्नमेंट ने इसे रीडेवलप करने का सोचा, और डर का कारण यहाँ पर पुरानी अंधेरी दीवारों को बताया। मुकेश मिल्स का रीडेवलपमेंट का काम अब किताबों और कागजों में ही रुक गया है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के कुछ आर्किटेक्ट्स इस मुकेश मिल में गए तो उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो कि काफ़ी कपा देने वाला था, जिसके कारण उन्होंने बाहर आते ही इस रीडेवलपमेंट के लिए रिज़ाइन कर दिया। अब इसे कोइंसिडेंस कहें या उन आत्माओं की शक्ति। दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी में काम करने का मौका मिले और आपकी फर्स्ट लोकेशन ही मुकेश मिल हो, तो क्या आप इस मिल में जाकर काम करना चाहोगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियोस की सबसे पहले।